नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ पेशेंस की, और कार्ड ऑफ पेशेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो हम इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेवन ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा समझेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स में हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है एक झाड़ को देख रहा है, और उस झाड़ में जो है हम देख सकते हैं पेंटिकल्स हमें दिख रहे हैं, और एक पेंटिकल उसने जो है अपने पास रखा हुआ है। जो इसका प्रतीक है, जो इसका सिंबॉलिज्म है इस कार्ड का, वो कुछ ऐसा है कि ये व्यक्ति जो है एक पेशेंस की मुद्रा के अंदर है। इस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा और समय और धन किसी चीज़ के अंदर जो है लगाया है, और अब ये प्रतीक्षा कर रहा है, अब ये वेट कर रहा है रिजल्ट्स का। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि चीज़ें जो हैं बेटर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है हाथ पे हाथ रख के जो है बैठा हुआ है। तो जब भी कोई हाथ पे हाथ रख के बैठता है, वो बैठता ही तभी है जब कहीं ना कहीं वो अपने भीतर जो है रिलैक्स होता है, या फिर एक ऐसी स्थिति जहाँ पे करने को कुछ नहीं है प्रतीक्षा के अलावा। तो ये व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है, पेशेंस में है, धैर्य रखा हुआ है उसने। एक चीज़ कन्फर्म्ड है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं पॉजिटिव हो रही हैं और अच्छी होती हुई दिख रही हैं। इसलिए जो है इस कार्ड का जो कंपैरिजन है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड पेशेंस के साथ, वो बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि उस कार्ड में भी जो है बहुत प्योरली जो है पेशेंस की बात की गई है, और इस कार्ड में भी जो है मोस्टली पेशेंस की ही बात की गई है। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी सेवन ऑफ पेंटिकल्स की। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ पेशेंस की। कार्ड ऑफ पेशेंस के पिक्चोरियल में हम देख सकते हैं कि एक स्त्री को दिखाया गया है जो कि गर्भवती है, और ऊपर जो है मून की जो है साइकिल दिखाई गई है। आपको पता होगा कि जब एक वुमन जो है प्रेग्नेंट होती है, तो एक वो बहुत ही एक गहरे धैर्य के साथ जो है उन 9 मंथ्स को जो है वो कंप्लीट करती है, और ये 9 मंथ्स कुछ ऐसे हैं कि उसको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हो सकती, इस प्रोसेस को आपको अलाउ करना होता है होने के लिए। इसलिए ये काम जो है स्त्रियों को दिया गया पुरुषों के बजाय, क्योंकि पुरुष की ये क्षमता नहीं है, पुरुष के अंदर जो है क्षमता नहीं है कि वो इस पेशेंस के थ्रू गुजर जाए, कि वो 9 महीने जो है इस बच्चे को जो है अपने पेट में रख ले। जब मैं पुरुष और स्त्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ जो है शरीर की बात नहीं कर रहा। पुरुष वो है जिसकी ऊर्जा जो है बाहर की तरफ जा रही है, और स्त्री वो है जिसकी ऊर्जा जो है भीतर की तरफ जो है आ रही है। और जब तक कि आप भीतर से स्त्री नहीं है, तब तक आपके अंदर जो है वो पेशेंस नहीं क्रिएट हो सकती। इसलिए कार्ड का पिक्चोरियल बहुत सुंदर है। कार्ड के पिक्चोरियल के अंदर जो है हमने स्त्री को दिखाया है कि वो प्रेग्नेंट है, वो गर्भवती है, और ये स्त्री और कोई नहीं, आप ही है। जब भी आप जो है पेशेंस के अंदर होंगे, जब भी आप किसी धैर्य की स्थिति में होंगे, तो आप स्त्री की तरह होंगे। स्त्री की तरह यानी कि आप अपने विमेन कि आप अपने सेंसिटिव साइड को जो है एक्सेस कर रहे होंगे, और जब आपके अंदर वो पेशेंस होती है, वो पेशेंस जो है वो पेशेंस किसी चीज़ के होने के लिए नहीं है, वो पेशेंस जो है वो धैर्य जो है इस क्षण के अंदर जो है पूरी तरह से होने का है। अगर आपके अंदर जो है वो धैर्य जो है, अगर आप इस क्षण में जो है पूरी तरह से जो है रुक जाते हैं, इसको पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो उस स्वीकार के अंदर जो है, उस धैर्य में जो है एक ट्रस्ट क्रिएट होता है आपके भीतर, एक विश्वास का जन्म होता है। और ये विश्वास कुछ ऐसा है जो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे बैठा हुआ, जो किसी चीज के अच्छे होने का वेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए जो है वो सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं इस मोमेंट में। जो यहाँ पे जो सिंबॉलिज्म है इस गर्भवती स्त्री का, वो सिंबॉलिज्म उस स्पिरिचुअल व्यक्ति का है
जो अपने भीतर जो है डिवाइन की एक पॉसिबिलिटी जो है अपने भीतर लेके बैठा हुआ है। और ये जो डिवाइन की जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ ऐसी है कि इसका कोई समय नहीं होता, ये समय अतीत है, ये समय के पार है। ऐसा नहीं है कि इसका जन्म जो है 9 महीने बाद होगा, इसका जन्म जो है इसी क्षण में जो है घट रहा है, इसी क्षण में हो रहा है। कि एवरी मोमेंट द डिवाइन इज बॉर्न इन दिस वेरी मोमेंट, बट ऑल इज नीडेड इज पेशेंस। मतलब कि जो डिवाइन है, जो प्रभु है, वो हर क्षण जो है वो घट रहा है इस क्षण के अंदर। और उसको आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप उस धैर्य की स्थिति में है, जब आप उस गहरी पेशेंस के अंदर है। चीन में कहानी है लाओ त्ज़ू की, कहते हैं कि लाओ त्ज़ू जो है 100 साल जो है अपनी माँ के गर्भ में रहा, जो कि सिंबोलिज्म के तौर पे जो है जिसकी बात की गई है कि अनंत धैर्य चाहिए डिवाइन के लिए, अनंत धैर्य चाहिए उस प्रभु के लिए। जब आपके भीतर जो है वो धैर्य होता है तो आपका जो है पूरा गेस्टाल्ट चेंज हो जाता है, आपका पूरा जिस तरह से आप अपने जीवन को जीते हैं उसका जीने का पूरा तरीका जो है बदल जाता है। क्योंकि अब कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, अब कुछ पाने की चिंता नहीं है, अब भविष्य के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इस क्षण में सब कुछ जो है वो घट रहा है। ये क्षण अपने आप में इतना पूरा है, इतना कंप्लीट है कि अगर आप इस क्षण में जो है पूरी तरह से बैठ पाए, पूरी तरह से जो है अगर इस क्षण में जो है अगर आप रिलैक्स हो जाए तो कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ होना नहीं है, बस उस शून्य अवस्था में जो है अपने आप को जो है उसमें प्रवेश कर जाना। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं, वो ध्यान की बात कुछ ऐसी है कि जहां पे जो है आप उस शून्य के साथ जितना बैठ सके, जितना हो सके, उतना जो है आपका जो है एक तरह से आपकी आत्मा का जो है एक स्नान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ईगो जो है, हमारा जो अहंकार है, वो ये नहीं स्वीकार कर पाता कि प्रभु के साथ होना जो है इतना आसान हो सकता है, कि अपने स्वभाव में होना इतना आसान हो सकता है। इसलिए अहंकार को जो है चैलेंजेस चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ एम चाहिए होता है, कोई मकसद चाहिए होता है। उसको लगता है कि इतनी आसानी से जो है सत्य कैसे मिल सकता है, इतनी आसानी से जो है प्रभु कैसे घट सकता है। लेकिन जब भी घटेगा, वो घटेगा तभी जब आप अपने भीतर जो है बिल्कुल रिलैक्स होंगे और अपने भीतर अपने जो है हृदय में बैठे होंगे। उस भीतर बैठने को जो है हम अध्यात्म कहें, उस भीतर बैठने को जो है आपका असली होना कहें, जीवन को सही माने में जो है जीना कहें। धैर्य की गहराई को समझने का है ये प्रयास, विश्वास और प्रकृति का यही है आधार। सब्र ही है विश्वास, प्रकृति पर आस्था, हर संकट में बनता है ये विश्राम का स्थल। सब्र से ही बदलता है दुख सुख में परिवर्तन, धैर्य ही है रसायन जो करता है जीवन सुंदर। नदी की गतिशीलता को समझने का प्रयास, धैर्य से ही समझ में आता जीवन का हर पल अनुपम। कांटों के बीच खिलता है गुलाब का सुंदर स्वरूप, धैर्य से ही समझ में आता कांटों का सुरक्षा स्वरूप। समय का पहिया चलता रहेगा बिना किसी ठहराव के, धैर्य से ही समझ में आता है समय की सही मान्यता। जब जीवन के उस धैर्य को जो है जब आप समझते हैं, उस धैर्य की स्थिति में जो है आप अपने भीतर जो है एक विश्राम की स्थिति में चले जाते हैं, और उस विश्राम की स्थिति में जो है आपके भीतर जो है एक बहुत एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है आपके भीतर एक क्रिएट होती है, और उस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ फिर आपकी बाहर की स्थिति कुछ भी हो वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगी। क्योंकि अब आपका स्वर्ग जो है आपके भीतर है। अगर आपने उस अपने भीतर के स्वर्ग को जो है उसको जगा लिया है,
उसको एक्टिवेट कर लिया है। फिर बाहर जो है आप कहीं पर भी हो, कुछ भी करते हो, आपका स्वर्ग जो है आपके साथ रहेगा, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो है अपने भीतर जो है सुखी होने का जो है प्रण लिया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझे जो है नरक में नहीं फेंक सकते, क्योंकि अगर मुझे तुमने नरक में फेंक भी दिया, मेरा स्वर्ग जो है मेरे भीतर है, तो मैं जहां पर भी जाऊंगा, नेगेटिव से नेगेटिव स्थिति में भी अगर मैं चले जाऊंगा, वहां पे मैं जो है अपना स्वर्ग जो है मैं बना लूंगा, क्योंकि स्वर्ग की उत्पत्ति जो है मेरे भीतर से है। और जब आपको ये रियलाइज होता है कि जो स्वर्ग की उत्पत्ति जो है वो आपके भीतर से है, तो बाहर जो है चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। तो सारा बदलाव जो है आपके भीतर होता है, उस भीतर के बदलाव से जो है बाहर जो है चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। हरमन हेस की किताब में सिद्धार्थ जो है वो अक्सर जो है ये लाइन जो है बार बार बोलता है, आई कैन फास्ट, आई कैन थिंक एंड आई कैन वेट। जो तीसरी जो लाइन है वो बोलता है आई कैन वेट, जिसमें जीवन का जो है एक रहस्य है कि जिसके भीतर जो है धैर्य की जो है ये क्वालिटी उसके भीतर आ जाए तो उसको कोई नहीं पिछाड़ सकता, वो ऑलरेडी जीता ही हुआ है। अगर हम बाहर संसार में देखें तो वहां पे जो है धैर्य जो है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपका सुख जो है आगे किसी स्थिति में घटेगा, कि एक बार जो है मेरे जीवन में ये घट गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो अपने भीतर जो है अपनी ऊर्जा को लेके जाना शुरू कर देता है, वो अब बाहर के संसार का जो है इंतजार नहीं कर रहा उसको सुखी करने के लिए, उसने ये जानना शुरू कर दिया है कि सुख की जो कीमिया है वो मेरे भीतर है, कि अगर सुख को जो है मुझे क्रिएट करना है तो उसका क्रिएटर जो है मैं खुद हूं। तो ये जो शिफ्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शिफ्ट कुछ ऐसा है कि वो बाहर की ऊर्जा को जो है आपको अपने भीतर जो है लेके जाना शुरू कर देना। भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के संवाद के अंदर अर्जुन की ऊर्जा जो है बाहर की तरफ बह रही है, और भगवान कृष्ण का सारा प्रयास यही है कि कैसे अर्जुन की ऊर्जा जो है उसके भीतर जो है प्रवेश करनी शुरू कर दे, कैसे जो है वो बाहर की जो उसकी जो ऊर्जा जो फैली हुई है, जो स्कैटर्ड है, वो उसके पास जो है वापस जो है आना शुरू हो जाए। और जब अर्जुन की जो है फैली हुई ऊर्जा, बिखरी हुई ऊर्जा जब उसके भीतर जो है जब आनी वापस शुरू होती है, तो वो अपने स्वभाव को जानना शुरू करता है। सारी कीमिया जो है धैर्य की है, तो धैर्य अपने आप में एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है एक शक्ति है, जिसको अगर आप समझेंगे, जिसको अगर आप जिएंगे, तो जीवन जो है वो वैसा ही नहीं रह जाएगा जैसे था, उसमें एक बहुत बड़ा गुणात्मक जो है फर्क आ जाएगा, भेद आ जाएगा। और आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो हम भूल चुके हैं कि कैसे धैर्य के साथ रहे। बाहर की दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है इतनी एडवांस हो चुकी है कि भीतर से जो है जो धैर्य की जो बात है, भीतर बैठने की जो बात है, वो जैसे गायब ही होती जा रही है। और आज की डेट में जितना जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है धैर्य के साथ होना, इससे पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी के कारण जो है आपका जीवन जो है बहुत फास्ट हो चुका है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बाहर की जो लाइफ है वो चाहे फास्ट रहे, लेकिन भीतर जो है आप बिल्कुल रुक जाएं। जिसको परमहंस योगानंद जी कहते हैं बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, यानी कि बाहर के जगत में जो है अगर आप एक्टिव हैं तो कामली एक्टिव हो जाए, और जब भीतर के जगत में जब आप काम हैं, जब आप शांत हैं, तो वहां पे जो है जितना तेजी से शांत हो सकते हैं
उतना तेजी से शांत हो जाइए। ये कीमिया है, ये चाबी है, अगर आप जो है अपने जीवन में उतार लें, अगर आप इसको रियलाइज कर लें, तो जीवन जो है एक बहुत सुंदर जो है मौका बन सकता है। तो जीवन का जो गिफ्ट है, जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, वो प्रेजेंट आपको मिल जाता है, उस प्रेजेंट को जो है आप जीना शुरू कर देते हैं। और ये जो धैर्य की बात है, इसको एक चीज़ और समझने की बात है, जब आपके भीतर जो है ये धैर्य, ये पेशेंस जो है, जब ये क्रिएट होती है, तो आप देखते हैं कि सब चीज़ें सही समय पे जो हैं आपके लिए घट रही हैं। जब जब वो घटनी चाहिए तब तब वो घट रही हैं, और जब जब आप रेडी हो रहे हैं चीज़ों के लिए, तब तब जो है आपके सामने जो है लाइफ वो आपको वो सब कुछ दे रही है जो उसको देना चाहिए। कुछ भी समय से पहले नहीं हो रहा और किसी भी काम में जो है देरी नहीं हो रही। और इस धैर्य के साथ हमें ये दिखना शुरू हो जाता है कि लाइफ जो है एवरी मोमेंट इट इज गेटिंग बेटर, कि हर क्षण जो है वो बेहतर होती जा रही है, वो सुंदर होती जा रही है। तो इस कार्ड का जो गहरा जो मीनिंग है पेशेंस का, वो सिंपली है कि आप अपने भीतर के पेशेंस को जो है जीना शुरू करें। उस स्त्री की तरह जो मून के सारे साइकिल्स को जो है जी रही है, जो अपने भीतर जो है इस डिवाइन की पॉसिबिलिटी को ग्रो करता हुआ देख रही है, तो इस स्त्री के अंदर जो है किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जल्दबाजी जो है वो सिंपली जो है मन की जो है एक दशा है। उस मन के साथ डिस्कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है और अपने हृदय के साथ कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। किसी ने राबिया को पूछा कि सत्य और झूठ में फर्क क्या है, तो राबिया ने कहा सत्य और झूठ में सिर्फ 4 इंच का फर्क है। उस आदमी ने कहा ये कैसे, 4 इंच का फर्क? बोली हां, कान और आंख में सिर्फ 4 इंच का फर्क है। जो तुम अपने कान से सुनते हो वो झूठ है, जो तुम अपनी आंख से देखते हो वो है सच। कानों सुनी झूठ सब, आंखों देखी सच। वो कहती हैं इतना छोटा सा फासला है, इतनी छोटी सी बात है कि आपको अपने कान से जो है सिर्फ अपनी आंख तक आना है, कि सुने हुए के बजाय जो है अपनी देखने पे विश्वास करना है। जब आप देख लेते हो तो चीजें जो हैं आपके अनुभव में आ जाती हैं। तो पेशेंस जो है आपके अनुभव की बात है। एक बार आपने इसको जो है इसको अपनी आंख से जो है अनुभव कर लिया, तो ये पेशेंस जो है आपके भीतर जो है एक डिवाइन पॉसिबिलिटी, एक प्रभु की क्षमता जो है आपके भीतर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।